बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की हम बात कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने बात की कि न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ। आज हम इसकी कंक्लूजन्स और प्लेनेटरी मॉडल की बात करेंगे। तो कंक्लूजन्स में क्या कहा गया रदरफोर्ड के मॉडल में? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कहा गया कि आर्टिनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद के बराबर होते हैं। ये एक कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन था कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है इस एटम का, जो ज्यादातर एरिया है वो खाली है। खाली का मतलब कि सारा सब कुछ इलेक्ट्रॉन के अलावा, जो आप कहते हैं ना कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर ज्यादातर एरिया खाली है। ये दूसरा कंक्लूजन था। और तीसरा कंक्लूजन था कि न्यूक्लियस के अंदर सारे पार्टिकल्स, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मीजॉन, ये सारे के सारे पार्टिकल जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर हैं। और न्यूक्लियस के बाहर जो मोस्ट ऑफ द एरिया है वो खाली है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कभी इधर होगा कभी इधर होगा, तो ज्यादातर एरिया आपको खाली नजर आएगा। मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इज इन द केस ऑफ शेल्स, और उनके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ज्यादातर जो डेंस एरिया होता है वो सेंट्रल हैवीएस्ट पार्ट होता है, जिसे आप न्यूक्लियस बोलते हो, और ओवरऑल वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। नहीं भी है। और प्लेनेटरी मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस रदरफोर्ड ने प्लेनेटरी मॉडल दिया एक एटम का, जिसमें उसने कहा कि जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम, जैसे सोलर सिस्टम में सन, सूरज को मरकजी हैसियत हासिल है और प्लैनेट्स उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही उसने कहा कि न्यूक्लियस वो एक सन की तरह है और जो प्लैनेट्स हैं उसे उसने इलेक्ट्रॉन से मुशाबे दी। मतलब इलेक्ट्रॉन को उसने प्लैनेट्स की तरह कहा और कहा कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज और उसके बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज हैं, उनकी तादाद किसी न्यूट्रल एटम में उनकी तादाद हमेशा बराबर होती है। क्योंकि उनकी तादाद हमेशा बराबर होती है तो वो एटम एज अ होल न्यूट्रल होगा। तो ये था रदरफोर्ड का प्लेनेटरी मॉडल।